मैं ईमान में रहती हूँ और मैं उस टाइम पे शॉपिंग करके घर पर जा रही थी। कोई 11 बजे का वक्त था, मैं बहुत थकी हुई थी। आप सबने वीडियो में देखा होगा, वो बयां करने वाली चीज है नहीं जो मेरे साथ हुआ है। जितने लोगों ने देखा, जितनी औरतों ने देखा, जितने मर्दों ने देखा जो कि गैरतमंद है, उनको पता है ये क्या चीज हुई है मेरे साथ। ये मोहम्मद असलम आप का बेटा है, MPA है, PTI के फॉर्मर रह चुके हैं, उनका बेटा है ये इमरान आबरू, जिसने ये हरकत की अपने सर्वेंट के साथ। हमने मना भी किया कि आप अंदर मत आओ, लेकिन ये नशे में थे, ये नशे में घुस के इन्होंने हरकतें ये की हैं। मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ की रहायशी हूँ, ये नहीं रहते, इनको वहाँ से निकाल के दिया गया है, क्योंकि ईमान इस तरह की चीज़ें टॉयलेट नहीं कर सकता अपने वहाँ पर। उसके बाद जब मेरे पापा आए, मैंने पापा को बुलाया अपने नीचे, मेरे पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, ऑब्वियसली वर्किंग मैन है, इनकी तरह घूमते फिरते तो नहीं रहते ना, औरतों को छेड़ते तो रहते नहीं है, उनको काम होते हैं, वो अपने काम से थे। मैंने उनको बुलाया कि पापा मेरे साथ हादसा पेश आया, आप जल्दी आ जाए। वो अकेले आए और फिर इनके इनके बंदे जमा हुए थे ईमान के नीचे अपना गार्डन एरिया में, 25 से 30 लड़के थे, पता नहीं क्या कहाँ कहाँ से बुलाए थे उन्हें, पूरी गुंडागर्दी मचाई हुई थी। फिर उसके बाद जब मेरे पापा आते हैं तो उनको मारते हैं, और आधे घंटे बाद कोई पिस्टल निकालते हैं ये लोग, फिर पापा को टांगते हैं, फिर मेरे पापा पिस्टल निकालते हैं और फिर दोनों की पिस्टल हमारे जो गार्ड है लॉबी के वो रख लेते हैं। फिर मेरे फादर इनको हाथापाई करते हैं और उनको मारते हैं, फिर ये लॉबी में बैठते हैं, सेटलमेंट होता है, और ये इमरान आबरू मुझसे सॉरी बोलता है। मेरा मूड था FIR कट करवाने का इनके खिलाफ, लेकिन जब इससे सॉरी बोला, मेरे पापा ने कहा कि छोड़ दो, माफ कर दो, बस सॉरी तो बोल दिया ना, उन्होंने खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, और पापा ने उनको मारा ही बहुत था। इनके बंदों ने, असलम आबरू ने बैठ के बंद फायर के सामने सुलह करके सॉरी बोला मुझे। जब ये बात हो गई उसके 20 दिन बाद, पता नहीं 15-20 दिन बाद ही कोई FIR कटवाते हैं हमारे खिलाफ, मेरे फादर के खिलाफ, कि मेरे फादर ने इनको मारा है, फायरिंग करवाई है, ये वो हुआ है, जो कि सब बातें झूठ है। मेरे पास सारे प्रूफ है, ईमान के साथ रिकॉर्डिंग है, फोटेजेस है, सब कुछ हमारे पास है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी सोच का इस्तेमाल करते वक्त IG सबसे पुलिस वालों को अपने अंडर करके ये बदमाशी का केस फाइल किया गया है। कल ये वीडियो कोर्ट में चलाई गई थी, वीडियो एविडेंस वीडियो थी, तभी ये कल वीडियो एविडेंस वीडियो कोर्ट में चलाने के बाद बाहर लीक हुई। इस पर अब तक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, जो तशद्दुद कर रहे थे वो गिरफ्तार हुए? नहीं हुए, उल्टा हमारे पापा को गिरफ्तार करके अपना बार बार एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से मेरे फादर अपना उधर है, क्या कहते हैं, थाने में है, और उनको बेल नहीं प्रोवाइड की गई। मेरे फादर के पास बहुत अच्छे एडवोकेट है, पाकिस्तान की बहुत फाइनेस्ट एडवोकेट है, बट मेरे फादर को बिल्कुल भी बेल प्रोवाइड नहीं की गई। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मुझे ये बताया जाए कि मैं जिस कंट्री पाकिस्तान में रहती हूँ, कि यहाँ पे औरतों की सुकून के लिए, फैसिलिटी के लिए जो लॉ बने हुए हैं वो गुंडागर्दियों पर चलेंगे? ये यही होता रहेगा यहाँ पर हमेशा। जो वुमेन राइट्स की बात करती हैं औरतें, वो अब कहाँ है, अब कहाँ के गए वुमेन राइट्स? क्योंकि ये MPA है, इनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पास पावर है, ये सोर्स यूज कर रहे हैं अपनी ना चाहते हुए। क्या हम जंगल में रह रहे हैं? हम हैं कहाँ अभी? मुझे इंसाफ चाहिए, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीना राना, तमाम तर चीज़ों से आगाह कर रही थी जो कि उनके हमरा पेश आई, तमाम तर सिचुएशन जो कि तशद्दुद के वाकयात उनके साथ पेश आए।